और राज्य सरकार का आप सबों को बीच में ऐसा तस्कर करने वाला को कड़ाई से हम लोग कार्रवाई करने के लिए सुनिश्चित किया है। नशा मुक्त बनाना है, इस तरह से तस्करी करने वालों को कभी छोड़ेगा नहीं। झारखंड प्रदेश को हम लोग नशा मुक्त हम लोग बनाने सके, ये संकल्प के साथ आज हम लोग अपना प्रतिज्ञा लेंगे कि झारखंड ऐसा तत्व को हम लोग पनपने नहीं देंगे। तस्करी करने वालों के ऊपर कड़ाई से शुरू होगा कार्रवाई। मुख्यमंत्री आदरणीय श्री चंपाई सोरेन जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले जोहार। आज इस कार्यक्रम में हम लोग है जो प्रदेश को हम लोग नशा से हम लोग को बचाना है। उन्नीस तारीख को हम लोग शुरुआत के जग के हर नशा के संबंध में जानकारी दिया, जागरूकता का हम लोग अभियान चलाया, एक एक आदमी को समझाने का प्रयास हुआ, हर तरह के कहीं श्रृंखला को बना के, कहीं प्रचार प्रसार करके। ये क्या है, ये समाज को कैसे वो नष्ट हो गए, भविष्य को कैसे विद्यार्थी या युवा को कैसे नष्ट होगा उनका कदम, नशा से कैसे हम लोग बचेंगे और अच्छा हम लोग प्रदेश निर्माण करेंगे, ये सोच है। क्योंकि कोई भी परिवार, कोई भी क्षेत्र नशा से यदि प्रभावित हो गया तो कभी उम्मीद नहीं होगा कि हम आगे बढ़ सकते, अच्छा काम कर सकते हैं। किस उस तरह का ये गिरोह है, तस्करी करते हैं, कार्रवाई भी बहुत हुई है। हर जिला क्षेत्र में जहां जहां अफीम की खेती, उसको भी नष्ट किया जाता है। बहुत तरह का नशा, कई अफीम की है, ब्राउन शुगर की है, गाजा है और डोडा, बहुत तरह का नशा तस्करी हो रहा है। जो सबसे ज्यादा प्रभावित शुरुआत होता है विद्यालय में, आसपास में, और उनको प्रभावित करके युवा का भविष्य का अंधकार में डाल रहा है। ये जो देश का भविष्य है, प्रदेश का भविष्य है युवा, अगर इसको प्रभावित हो गया तो निश्चित रूप से ये प्रदेश में अंधकार फिर छा जाएगा। इसलिए हम सबों को बहुत महत्वपूर्ण इसको समझेंगे, अपना परिवार से लेके अपना समाज को लेके पूरा प्रदेश में इसका बहुत अच्छा प्रसार होना चाहिए। और इसको एक आज का दिन संकल्प लेने का दिन है, प्रतिज्ञा लेने का दिन है कि हम नशा से दूर रहेंगे, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा जीवन जपन करने का ये संकल्प का दिन है। आज जैसे जैसे ये तस्करी लोग बढ़ाते हैं, कार्रवाई भी बहुत हुआ है, बहुत सा जेल भी गया है, लेकिन हम लोग को आप सावधान होना, बहुत ज्यादातर ये प्रदेश में फैलने लगा है जो राज्य के लिए बहुत बड़ा हानि होगा। इसलिए आज का ये 19 से हम लोग शुरू किया सब जगह में प्रसार प्रसार कि नशा क्या चीज है, मानुष जीवन के लिए क्या है। और हम लोग छोटा सा हम लोग ये भी देखा है कि किस तरह से ये अगर नशा से उसका शरीर में घुस गया तो किस तरह से उसका ऊपर में शरीर को कितना क्षति पहुंचाएगी, ये सारा चीज जानकारी देने का प्रयास किया गया। इसीलिए हम ही भाई झारखंड प्रदेश को
बहुत जगह कहीं अफीम का खेती भी होते हैं, बाहर से तस्कर लोग आते हैं, युवा लोग को प्रभावित करते हैं, ब्राउन का शुगर हर जगह देने के, ऐसा समाज आप लोग मजबूत कीजिए, क्षेत्र में मजबूत कीजिए, ऐसा तत्वों को कहीं भी मिले आप लोग घेर के रखिए और प्रशासन से संबंध रखिए, ताकि झारखंड प्रदेश को हम लोग ये नशा से मुक्त कर सके। यही आज 19 से आज तक जो प्रचार हुआ है पूरा झारखंड प्रदेश में, एक एक क्षेत्र में, एक एक गांव तक, एक एक शहर विद्यालय के आसपास में, हर युवा के बीच में नशा से मुक्ति करने के लिए एक जागरूक अभियान चलाया गया। और उसका महत्व यही है, इस प्रदेश को इस तरह का जो आज पदार्थ है उससे हर हाल में हम लोग बचाने का आज हम लोग संकल्प लेंगे। इसलिए आज बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ, 19 से आज तक का जो प्रसार हुआ बहुत सराहनीय है। और राज्य सरकार का आप सबों को बीच में ऐसा तस्कर करने वाला को कड़ाई से हम लोग कार्रवाई करने के लिए सुनिश्चित किया है कि झारखंड प्रदेश को बचाना है, नशा मुक्त बनाना है, इस तरह से तस्करी करने वालों को कभी छोड़ेगा नहीं, ताकि समाज से लेके युवा से लेके हर व्यक्ति इसका दायित्व लेने के लिए हम उम्मीद करेंगे, ताकि आने वाला दिन झारखंड प्रदेश को हम लोग नशा मुक्त हम लोग बनाने सके। ये संकल्प के साथ आज हम लोग अपना प्रतिज्ञा लेंगे कि झारखंड ऐसा तत्व को हम लोग पनपने नहीं देंगे, तस्करी करने वाला के ऊपर कड़ाई से शुरू होगा कार्रवाई, और कहीं भी इस तरह से तस्कर करने वाला संपर्क हमारा युवा हमारा विद्यार्थी ना रखे। मेरा पूरा उम्मीद है आज के बाद से झारखंड प्रदेश में नशा मुक्त कदम हम लोग बढ़ाया है और उसको सफल करेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूँ। जोहार, जय झारखंड।